उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के हापुड़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 40 के समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी मोहम्मद अजीम अयूब ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे वार्ड में अभी तक 5 सालों में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। हमारे वार्ड मेंबर ने आज तक कोई भी कार्य नहीं कराए हैं। जब भी कोई योजना आती है, जैसे कि पेंशन या कोई अन्य सरकारी योजना आती है, तो वो हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती है, जिस कारण हमारे वार्ड के लोग काफी परेशान हैं। अगर वार्ड 40 के नगरवासी मुझे एक बार मौका देते हैं तो मैं उनके इरादों पर खरा उतरूंगा और उनकी हर समस्या का समाधान करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम अयूब है। मैं वार्ड नंबर 40 हापुड़ नगर पालिका परिषद से सभासद पद की तैयारी कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी से आप सभासद थे? मैं समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप जनता में क्या दोष है आपके लिए? जनता में पिछले 5 साल से हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, जिससे जनता परेशान है। जो सरकारी योजनाएं आई हैं उनका भी लाभ नहीं मिला है। सुनने में आ रहा है कि जो योजना आई थी उनके नाम पर भी लोगों से पैसा ठगा गया है। इसलिए मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 40 से तैयारी कर रहा हूँ। जनता से कहना चाहता हूँ, मुझे एक बार मौका दे के देखें। नाली सफाई, सड़क, लाइट सबकी व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझ पर भरोसा करके देखें। अपनी माताओं, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों सबसे अपील करना चाहता हूँ, एक बार मुझे मौका दे के देखें। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा।